हाँ जी आप वहाँ चले जाओ तो अच्छा रहेगा सामने। आप थोड़ा आप वहाँ चले एक मिनट के लिए आपकी चाहिए। आज बघरा में जो आश्रम है आपके हिंदू धर्म में घर वापसी हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि हम पहले जो थे हम बकाए में आके और हम ही मान लाए थे, अब हमारा जो हुआ अपने राजी से हम हिंदू धर्म में आना चाहें। कितने परिवार हैं आप लोग? हमारे हैं 11। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? बागपत। पहले आपका क्या नाम था? पहले जरीना खातून। तो उससे पहले आपका क्या नाम था? मिथिलेश। और अभी आपका क्या नाम रखा गया? मिथिलेश ही है। हम उसी मजहब में जो पहले थे उसमें आना चाहिए, हिंदू धर्म में अपने राज्य से। हम तंग होके निकले बस परेशानी में, जब घर दर कुछ नहीं रहा, बस मेरे धक्के खाते फिर रहे, कहीं रहने को भी घर था वो भी फूक गया मारे। पता नहीं कहाँ खा के अब लालच में आ गए कि गरीबी दूर होगी, कुछ नहीं हुआ। बहकावे में आके पता नहीं कहाँ का दर दर के ठोकर खा के, जब हमें अकल आया, जब हम ये काम करे बाबूजी हमारा कहीं भी नहीं ठिकाना हुआ, दर दर के ठोकर खा। घर हुआ, घर भी नहीं है, घर भी नहीं, बगैर घर के नहीं फिर धक्कर खाते। जो घर थे चार तीन घर हमारे थे, वो तीन घर भी फूक दिए, कुछ नहीं है कपड़ा लत्ता। हम तो दर दर के ठोकर खा, बस कपड़ा लत्ता भी तेरे मेरे को दे वोट पहले नहीं अपने नहीं फिर रहे। अभी 15 आदमी जो है वो यहीं है, परिवार 15 परिवार यहीं आए। अब हमें तुम्हारी सहारा है बस आश्रम में, अब अब्बा के इसके हमें घर मिल जाएगा, घर बच्चों को ठिकाना, हमारी कोई यही दुआ है। दर दर के ठोकर खा रहे, जब से कहीं ठिकाना नहीं, कहीं नहीं, बस दरियाओं में जिप कर नाव तिर जा, कभी उस कोने पर कभी उस कोने पर, बस ऐसे हमारा कुछ नहीं। करान की सेना का एक प्रतिनिधिमंडल आज DM साहब से पर्सनल मिलने दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने व्हाइट ग्राउंड में जो मेला भर रहा है लगने वाला मेला, तो उसे ज्ञापन भी दिया। अभी इस मेले के ठेके में बहुत बड़ी हामिली प्रशासन के द्वारा की गई है, क्योंकि कोरोना काल से पहले जब ये नुमाइश लगती थी तो इसका ठेका लगभग 1,07,00,000 रुपये में चुका, जिसमें GST भी 45-50 लाख रुपये GST भी बैठती है, वो भी ठेकेदार के द्वारा ही की जाती है। और उसके अलावा पंडाल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी ठेकेदार से दिया जाता है। लेकिन क्या कारण रहा इस बार ये ठेका मात्र 15 लाख रुपये में छोड़ दिया गया, इसकी जाँच की मांग को लेकर हम ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज DM साहब से हम मिलकर उन्हें अवगत कराने के लिए आए हैं, इस ठेकों को या तो निरस्त किया जाए या दोबारा से इसकी बोली सार्वजनिक रूप से लगाई। किसकी धांधली? इसमें सत्ता पक्ष के नेताओं की धांधली है, जिन्होंने जो है शासन प्रशासन पर दबाव बढ़ाकर इस ठेके को अपने कार्यकर्ता के नाम 15 लाख रुपये में छुड़वा कर उसे मोटा
लाभ पहुँचाने का प्रयास। ठीक है जी।